आपने अक्सर सोचा होगा कि एंटरप्रेन्योर किसे कहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि एंटरप्रेन्योर एक ऐसे व्यक्ति को कहते हैं जो खुद अपने दम पर स्टार्टअप खड़ा करता है, उसे चलाता है, कुछ कर दिखाने की हिम्मत रखता हो। और ऐसी ही एक कहानी है इंदौर के अनुभव दुबे की। अनुभव ने अपनी शुरुआती पढ़ाई यानी क्लास 1 से लेकर 8 तक गाँव में ही की, और फिर आगे की पढ़ाई करने के बाद घर वालों ने UPSC की तैयारी करने के लिए दिल्ली भेज दिया, जहाँ अनुभव की मुलाकात अपने स्कूल के दोस्तों से हुई। और फिर क्या था, बस यहीं से शुरुआत हुई कंपनी चाय सुट्टा बार के आइडिया पर काम करने की। लेकिन दोस्तों किसी भी काम को करना इतना आसान कहाँ होता है, क्योंकि आपको दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है, पहली होती है आपकी हिम्मत और दूसरा होता है आपका पैसा। और यही हाल था आनंद और अनुभव का। उनके पास हिम्मत तो थी लेकिन पैसे कम थे, इसीलिए शुरुआत में उन दोनों ने सेकंड हैंड फर्नीचर लेकर अपने बिजनेस की शुरुआत की। और पैसे की इतनी ज्यादा किल्लत थी कि दुकान का बैनर अपने हाथ से बनाकर टांगना पड़ा। लेकिन किसी ने सच कहा है कि अगर कुछ करने की चाहत हो तो धीरे धीरे मुश्किलें समाप्त होने लगती हैं। जैसे कि मैंने जब YouTube स्टार्ट किया था तो बहुत मुश्किलें आई थी, लेकिन आज आप सबके सपोर्ट से मैं बहुत आगे आ चुका हूं। और वहीं शुरुआती दिनों की कठिनाई के बाद उनका बिजनेस निकल पड़ा और उन्होंने फिर लौटकर कभी पीछे नहीं देखा। तभी 3 लाख से शुरू की गई कंपनी का सालाना टर्नओवर आज 100 करोड़ पहुंच चुका है। अनुभव दुबे के अनुसार मौजूदा समय में चाय सुट्टा बार के 165 जगहों पर आउटलेट्स मौजूद हैं, और इन आउटलेट्स के लिए 250 से ज्यादा परिवार जो कि कुल्लड़ बनाते हैं पूरी तरह से कंपनी पर निर्भर करते हैं। क्या आप कभी चाय सुट्टा बार में गए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पर बने रहें।